तो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना बाइक को थोड़ा सा नॉर्मल सा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। ओके, तो फिर आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अभी अपने बाइक के फाइबर का अच्छे से कट कर रहा हूँ, इसका बेहतर शेप देने के लिए, ताकि मेरा गाड़ी का लुक एकदम से हैवी आ जाए। अभी मैं इसको कट कर लिया, उसको देख रहा हूँ कैसे शेप में फिट करूँ इसको, कैसे नहीं। तो अभी मैं अपने गाड़ी को नोरबल्स को लूज़ कर रहा हूँ, उस पर छोटा मोटा क्लैंप्स फिट करने के लिए। इसको फिट करने में बहुत दिन लग गए थे, इस वीडियो तो बहुत पहले बन ही गया था, इसको मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसका मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे बहुत सोचना पड़ा इस फाइबर को फिट करने के लिए। और अभी मैं दूसरे साइड का फाइबर को कट कर रहा हूँ एकदम अच्छे से, शेप से एकदम बराबर से दोनों कर लिया हमें। और अगर आप देख सकते हैं दोनों साइड का फाइबर को अच्छे से कट कर लिया है, मैंने अपने हाथ से पकड़ा है दोनों को। और ये भाई, अपने इस फाइबर को मैं फिट करने के लिए कुछ क्लैंप्स को रेडी कर लिया है मैंने। इसको अच्छे से अपने अपने जगह पे फिट करके इसको दिखाऊंगा कि कैसे आ रहा है, कैसे लुक। ये बहुत दिनों के बाद मैं इस फाइबर को क्लैंप को फिट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए, और आइडिया लगाना पड़ा कि कैसे क्लैंप बनाना, कैसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बहुत टाइम लग गया था इस वीडियो को बनाने के लिए। अब इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूँ कि बाद में आवाज़ देने ऐसे सब कुछ कहना पड़ रहा है, टाइम ही नहीं मिला था इस वीडियो बनाने के लिए मुझे। अभी फाइनली इसको पूरा आइडिया लगा और फिट कर लिया हूँ, एक साइड का देख सकता हूँ कैसा लुक आएगा, एक एक क्लैंप को देख लो कैसा फिट कर रहा हूँ, कैसे नहीं, मैं सब कुछ देख लो ठीक ठाक से। और ये गाइस देख लो, अभी इस फाइबर को मैंने फिट कर लिया है, कैसा लुक आ रहा है कैसा नहीं देख सकते हैं, एकदम अच्छा लुक आ रहा है, गाड़ी हैवी लगने लग गया मुझे तो। ये देख लो इसका एक एक क्लैंप कैसे फिट कर रहा है, और कोई फॉल्सर टूटने लवर हो तो इसका इस तरह से मॉडिफिकेशन करना चाहते तो मुझे कमेंट कर देना, इसके बारे में तो कुछ डिटेल्स भी दे दूँगा सबको, और इसका पूरा कंप्लीट वीडियो भी आगे बन जाएगा तो मैं दिखा दूँगा आपको। एक एक नोटबुक में फिट कर रहा हूँ सेट का, लेकिन प्रॉपर जैसे कि कुछ लूज वूज ना रह जाए, अच्छे से फिट हो जाए। देख लो उसका लुक कैसा है, एकदम मस्त लुक आ रहा है, फाइबर का भी कलर को दूंगा और भी अच्छा लगेगा। और ये दूसरा तरह का सेट को फिट कर लिया मैंने, एकदम मस्त लग रहा है, इस हमारी गाड़ी का लुक भी एकदम मस्त आ गया है, एकदम हैवी। और आगे चलो इसको मैं रैपिंग करके दिखाऊंगा इस फाइबर को, इसका रैपिंग का काम चल रहा है अभी। इसका रैपिंग का पेपर खरीदने गया था मैं, और इसको लगा रहा हूँ, इस वक्त मैं था नहीं, एक काम से चला गया था, मैं अपने भाई को सौंप जाता कर लेना इसका एक वीडियो बन गया। एकदम ग्लॉसी ब्लैक वाला रैपिंग करा रहा हूँ इसके ऊपर। और ये जो फाइबर है आप तो देख सकते हैं, अराउंड 5 V3 का फाइबर है मेरे पास था, तो इसको मैं कट करके लगा रहा हूँ अपने बाइक के ऊपर। और भाई मैं पहले से कह देता हूँ, अच्छा से लोकेशन पे जाके अपना गाड़ी पूरा फुल वीडियो दिखाऊंगा, इसका लुक कैसे आ रहा है सब कुछ फिट होने के बाद, पूरा एकदम स्टिकरिंग देख रहा हूँ सब कुछ करने के बाद दिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं, अभी रैपिंग का काम चल रहा है, और ये रैपिंग का काम पूरा आ गया, देखो कैसे रैपिंग हुआ है, अभी इसको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। Thank you.